मोशन काइनेमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है। एक्सेलरेशन अपना फीट पर सेकंड स्क्वायर है, क्या है? फीट पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम है इन सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में बता रखा है कि 0 से 10 के बीच में एक्सेलरेशन पॉजिटिव 5 है, 10 से 20 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन 0 है, और 20 टू 30 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन -5 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट में पूछा है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे, टोटल डिस्टेंस इन 30 सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इन 30 सेकंड, ये पूछा है। सेकंड पार्ट में पूछा है कि इसी ग्राफ का एटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में, सॉरी एक्सटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, एक्सटी ग्राफ में यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, या पोजिशन टाइम ग्राफ बोल दो। ओके, फर्स्ट करते हैं डिस्टेंस फाइंड करना। अब देखो यहाँ पे इस पूरे पाथ को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट 0 टू 10 सेकंड, फिर 10 से 20 सेकंड, फिर 20 टू 30 सेकंड। फर्स्ट पार्ट में इसको ए पोजीशन देता हूँ, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। तो देखो ए टू बी में कितना डिस्टेंस हुआ वो निकाल लेते हैं, फिर बी टू सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सी टू डी का डिस्टेंस निकालेंगे, और तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो अपना 30 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। देखो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे ए के ऊपर वेलोसिटी क्या होगा, ए के ऊपर वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू होगा 0, राइट। अब ए टू बी जाते हैं तो वेलोसिटी एट बी क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी बी इज इक्वल टू आ जाएगा वी ए प्लस ए टी, राइट। इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू है, 0 प्लस 5 इंटू 10 यानी 50 फीट पर सेकंड, ये आ जाएगा वेलोसिटी एट बी, राइट। अब यहाँ पे अपने को b की वेलोसिटी आ गई, नेक्स्ट c की वेलोसिटी निकालते हैं। तो b की वेलोसिटी है अपने पास, c की वेलोसिटी आ जाएगी इसी इक्वेशन से, वापस वी सी इज इक्वल टू वी बी प्लस ए टी। अब देखो b टू c एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो वी सी इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा, और वी बी कितना है, 50 है, राइट। ओके, c की वेलोसिटी भी आ गई। लास्ट d की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, d की वेलोसिटी सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वी डी इज इक्वल टू वी सी प्लस 80, सिर्फ c और d के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी सी कितना है, 50। एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव 5 इंटू 10, राइट, कितना आ जाएगा, 0, वेलोसिटी एट डी आ जाएगा 0। अब हम डिस्टेंस निकाल देते हैं ए बी बी सी और सी डी, तो मैं ए बी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन है अपना। इसके अंदर एस कौन सा, एस ए टू बी वाला, यहाँ पे यू कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 5 टाइम 10, 10 का स्क्वायर 100, तो ये आंसर आएगा अपना 250 फिट, कौन सा, ए बी डिस्टेंस आ गया। सेम बी सी डिस्टेंस निकाल देते हैं, सेम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 50, टाइम कितना है 10, एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 500 फिट, कौन सा डिस्टेंस, बी सी वाला डिस्टेंस। नेक्स्ट सी डी के लिए अप्लाई करते हैं, एस सी डी, यहाँ पे वापस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बाकी वही आएगा 50 इंटू 10 माइनस हाफ ए मीन्स 5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 500 माइनस 250, तो ये 250 फीट आ जाएगा, ये आ गया सी डी। अब टोटल लेंथ कितना है, एस ए टू डी कितना आ जाएगा, 250 प्लस 500 प्लस 250, 1000 फीट आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, इसी ग्राफ का पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये अपना होगा, ये टाइम है और ये पोजीशन एक्स है मान लेते हैं। तो देखो हम टाइम तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। पोजीशन देखो, फर्स्ट हम 10 सेकेंड में कहाँ पहुँच रहे हैं, 10 सेकंड में हम पहुंच रहे हैं 250 पे, ये ले लो 250। नेक्स्ट 10 सेकंड में हम 500 पहुंच रहे हैं,
ये अपन 500 ले लेते हैं, ठीक है, ये 500, ओके। नेक्स्ट 10 सेकंड में हम 250 पहुंच रहे हैं, ये 250 ले लेते हैं, राइट, ओके। अब यहाँ पे इनको ज्वाइन करना है, फर्स्ट यहाँ से ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए टू बी पे जा रहे हैं तब अपने पास एक्सेलरेशन है कौन सा, पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, पैराबोला बनेगा, राइट, ओके। बी टू सी, बी टू सी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि स्लोप फिक्स हो गया, ओके। नेक्स्ट सी टू डी, सी टू डी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो ये वाला ग्राफ आएगा, ओके, ये होगा अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ बोल दो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।